नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे RPF कांस्टेबल, जिसका एग्ज़ाम आज आपके 20 दिसंबर को था। इसके प्रथम प्लस द्वितीय पारी के जो भी मेरे को 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं, वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है और इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 750 लाइक का। आई होप आप कंप्लीट कर देंगे, तो फटाफट इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अन एकेडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूं, जहां पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूं। और अभी मैंने वहां पे रेलवे RPF स्पेशल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टॉपिक प्लस टॉप 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं, जहां से अभी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और आने वाले सेप्टों में यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसके लिए सिंपली आपको अन एकेडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहां पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक मेरे को 20 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिले हैं। यदि आज आपका पेपर रेलवे RPF कांस्टेबल का तृतीय पारी में था, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है जो कि सेकेंड शिफ्ट का है। इसके बाद देखेंगे प्रथम पारी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चन की आपको PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो यहां पे देखते हैं सेकंड शिफ्ट का प्रथम क्वेश्चन, असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, यानी असम का फोक डांस कौन सा है। तो असम का लोक नृत्य है बिहू। कौन सा है दोस्तों? बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा, टॉम ऑफ हुमायूं। तो टॉम ऑफ हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां पर है? ये है आपके दिल्ली, मथुरा रोड पर है दिल्ली पर। इसके आर्किटेक्ट है, वास्तुकार है मिराक मिर्जा ज्ञात। कौन है? मिराक मिर्जा ज्ञात है इसके आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की मुद्रा, तो रशिया की करेंसी है रशियन रूबल है, जो कि लगभग 1 रुपये के इक्वल होता है 1 रशियन रूबल। और यहाँ पे रशिया की राजधानी की बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। लगभग आपके प्रत्येक पारी में कैपिटल और प्लस आपकी करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को ज़रूर याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबर कप का संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो उबर कप होता है बैडमिंटन, जो कि महिलाओं द्वारा खेला जाता है। ये उबर कप होता है, वुमेन्स बैडमिंटन कप होता है, और उबर कप का संबंध बैडमिंटन से हो गया। और 2018 का जो उबर कप चैंपियन टीम रही है वो है दोस्तों जापान की टीम। थॉम्स कप, उबर कप, ये आपके बैडमिंटन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्नेक्स, विज्ञान के किस ब्रांच के अंदर किया जाता है सांपों का अध्ययन? तो हेरपेटोलॉजी में किया जाता है सांपों का, रेप्टिलिया वर्ग के जो भी जंतु हैं उनका अध्ययन किया जाता है हेरपेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेन गोहेन, राजेन गोहेन ये कौन से राज्य के सांसद हैं, MP हैं? तो असम राज्य के MP हैं राजेन गोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने मणिपुर की राजधानी क्या है? दोस्तों मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ पर बात करें मणिपुर के CM के, तो वो है एन बीरेन सिंह। राज्यपाल है नजमा हेपतुला। दोस्तों बात करें RPF के, अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके ALP प्लस रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, जो आपके पूछे गए हैं। और यदि आपको रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के रियल क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक PDF फाइल तैयार की है जिसमें आपके 1350 क्वेश्चन का संग्रह है, और जो 200 पेज की 6 MB की PDF फाइल है, मात्र आप 20 रुपये का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप ALP की PDF फाइल ऑफिशियल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम, और इसको दर्शाया जाता है K से। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना टंगस्टन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, ये हुआ था आपके 23 जून 1757 में। किन के मध्य हुआ था ये युद्ध? हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और प्लस दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इनके मध्य हुआ था, जिसमें
कंपनी के सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाज सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ये था आपके बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित है। आपको ऑप्शन दिए गए थे मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, इस प्रकार से आपको ऑप्शन गिवन थे, जहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल गवर्नर होता है राज्य का, तो राज्य के राज्यपाल को शपथ ओथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च, जो भी राज्य है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को। ओके, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? ये एक इंग्लिश फुटबॉलर हैं डेविड बेकहम, यानी ये फुटबॉल खेल से बिलोंग करते हैं डेविड बेकहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट करना था, जिसमें आपके 3 भाषाएँ ऑप्शन में दे रखी थी। एक जो चौथी लैंग्वेज है वो इस 8वीं अनुसूची में जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। आई थिंक आपका ऑप्शन में होगा इंग्लिश, जो कि आपके 8th शेड्यूल के अंदर सम्मिलित लैंग्वेज नहीं है। बाकी बात करें इसमें कौन सी भाषाएं हैं, तो असमीज है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो और संथाली, मिथाली एंड डोगरी। ये सभी आपके लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल में, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो यदि आपके सेकेंड शिफ्ट में पेपर था तो कौन सा ऑप्शन था। कौन से ग्रह को रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह मार्स है, इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री पूछा था, तो जेपी नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा है भारत के हेल्थ मिनिस्टर। मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर, या फिर बोले तो 46 संख्या है, 46 है गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किसी धातु को पतली तार के रूप में बदलना ये कौन धातु का कौन सा गुण है? तो किसी धातु को है वो पतली तार के रूप में कन्वर्ट करना ये धातु का गुण है डक्टिलिटी, यानी तन्यता, कौन सा है? तन्यता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला पूछा था, तो वो हो जाएगा आपके KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन जरूर याद करके जाना, मैक्सिमम वेटेज है पॉलिटी प्लस हिस्ट्री है। और यहाँ पे अगला देख लेते हैं, प्रथम पारी 20 दिसंबर के प्रथम पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा, देव समाज के संस्थापक कौन है? तो देव समाज के फाउंडर है शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश का संविधान अलिखित है? तो कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में दोहरी नागरिकता प्रणाली है? दोहरी नागरिकता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। टाइगर स्टेट नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध? तो यहाँ पे स्टैटिक जीके से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। हरियाणा हरिकेन नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन नाम से कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो संविधान का भाग है भाग 5 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन, रक्त को जमने से रोकने में सहायक प्रोटीन है दोस्तों हेपेरिन, और इसका निर्माण होता है हेपेरिन का वो होता है यकृत, यानी लीवर के अंदर हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्डर जो एलॉय है मिश्र धातु है, ये किससे मिलकर बनी होती हैं? ये आपके एक तो टिन से होती हैं और एक आपके लेड से, टिन प्लस लेड मिलकर बनाती हैं सोल्डर मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम वेट होता है अर्थ पर वो होता है पोल्स पर, ध्रुवों पर होता है उसका अधिकतम भार। अगला क्वेश्चन है, और सबसे मिनिमम भार होता है सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर होता है जहाँ पे आपका गुरुत्व त्वरण लगभग शून्य हो जाता है। WHO ने TB को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो टीबी बीमारी है उसको जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है रोवाल्ड एमुटसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो जगन्नाथ मंदिर है पुरी, कहाँ पर है पुरी उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया जो अभी इनका विलय हुआ है, मर्ज हुआ है वोडाफोन आइडिया दोनों, और कंपनी बनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इसके नए CEO कौन है, तो इनके CEO हैं बालेश शर्मा हैं दोस्तों। स्थानीय स्वशासन किसने स्टार्ट किया था, तो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको वापस किस स्वतंत्र सेनानी ने ले लिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने वापस ली थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ले ली थी। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग होता है, फिरियोन गैस का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसको कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग, इनको संपन्न कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्याम कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके करंट हैं जो विद्युत धारा होती है उसकी SI यूनिट पूछी है, इजी क्वेश्चन है, एम्पियर हो जाएगा। गुड अर्थ पुस्तक है उनके ऑथर कौन है, तो गुड अर्थ बुक्स के लेखक हैं पियरल एस बक हैं, ये नॉवेल है इनके लेखक हैं पियरल एस बक। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम टॉपिक की बात करें कौन से टॉपिक को टच किया गया है, तो पीरियोडिक टेबल से आपके लगभग क्वेश्चन आ रहा है, इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है जितना आपके ALP और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रत्येक सेट में 4-5 क्वेश्चन, इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मैक्सिमम एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल से। इसके अलावा कैपिटल राजधानी और मुद्रा से संबंधित लगभग प्रत्येक सेट के अंदर 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर कवर करके जाना। ह्यूमन बॉडी सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटिक GK से जैसा कि बांध वाला क्वेश्चन आया था, तो इस प्रकार से बाकी CM और गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बुक्स और उनके लेखक कौन है ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ग्रंथियां और उनसे जो सीक्रेट हार्मोन होते हैं वो, और आर्ट कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी टर्म है वो किस खेल से संबंधित है, खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, पॉलिटिक का यहाँ पे वेटेज बहुत ही ज़्यादा है हिस्ट्री पॉलिटिक का। रीजनिंग की बात करें तो कथन और निष्कर्ष से जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी में ALP CBT प्रथम में पूछा गया था उसी टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको जरूर कवर करके जाना प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आपके हैं। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर और वाटर इमेज से आपका आज एक सेकेंड पारी में क्वेश्चन था वाटर इमेज का TABLE, इसकी आपको वाटर इमेज पूछी थी तो उल्टी हो जाएगी जस्ट इस टाइप से, और आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर त्रिभुज है इनकी जो काउंटिंग होती है संख्या वगैरह ये पूछी जाती है। सिलोजिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे आपके एडवांस मैथ में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, बाकी एज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आयु पर आधारित है, सिंप्लीफिकेशन जो कि बोर्ड मास नियम पर आधारित है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन भी हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एवरेज मेंसुरेशन ब्याज वगैरह इन सभी टॉपिक को यहाँ पर टच किया जा रहा है, और आपके एडवांस मैथ को यहाँ पे वेटेज कम है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मेरा नया लेटेस्ट वीडियो आया आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।